कर्नाटक के हुबली स्थित बीबीबी कॉलेज कैंपस में गुरुवार को 18 अप्रैल को कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की 23 साल की बेटी नेहा हिरेमत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नेहा एमसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसके कॉलेज के पास एक ड्रॉपआउट स्टूडेंट फयाज खोडू नायक 23 वर्षीय ने नेहा के गले पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 बार किए। हमले में फयाज को भी चोटें आईं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां नेहा को मृत घोषित कर दिया गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें फयाज नेहा पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भाजपा नेता ने इस मर्डर केस को लव जिहाद का मामला बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल है। कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। उधर लड़की के पिता ने भी घटना को लव जिहाद का मामला बताया। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी। वो उसे धमकी दे रहे थे लेकिन हमारी लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लव जिहाद के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हत्या निजी कारणों से की गई है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। लड़की के पिता निरंजन हिरेमत ने कहा कि मैं मांग करता हूं बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? लव जिहाद के लिए वे अच्छे परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। उनका जल्दी से जल्द एनकाउंटर किया जाना चाहिए या फांसी दी जानी चाहिए। पुलिस ने 28 अप्रैल को बताया था कि नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों बीसीए के दौरान क्लासमेट थे। नेहा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था जिसकी वजह से फयाज ने घटना को अंजाम दिया। हुबली धारवाड़ की पुलिस कमिश्नर रेणुका सुकुमार ने कहा कि इस मामले में कल FIR दर्ज की गई थी जिसके एक घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।